आंदोलनरत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 31 जुलाई को बीसी ऑफिस पहुंचकर अंदर घुसने का किया प्रयास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 31 जुलाई को बीसी ऑफिस पहुंचकर अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस और क्यूआरटी फोर्स के जवानों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस बीच जवानों और कार्यकर्ताओं के बीच करीब 10 मिनट तक जमकर धक्कामुक्की हुई। इसके बाद कार्यकर्ता बीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और सभा को संबोधित किया। प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता एचपी पहुंचे हैं। कुल्लू जिला में बारिश का कहर जारी। 31 जुलाई सुबह से हो रही है बारिश। घ्याघी के समीप चट्टाने सड़क पर आने से NH 305 करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। इसके साथ ही जिला में 15 से अधिक सड़कें भूस्खलन के कारण बंद है। लगातार बारिश के चलते सेब तुड़ान प्रभावित हुआ है। बागबान सेब का तुड़ान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लाहौल स्पीति जिला के शांसा और जाहलमा नाले में पुल गिर जाने के बाद अस्थायी सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। फिलहाल नाले से होकर ही सड़क निकाली जाएगी। पहाड़ों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपनी जगह से लगा खिसकने। पहाड़ों पर बसी आबादी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपनी जगह से खिसकने लगा है। यही नहीं, आबादी वाले पहाड़ खोखले भी होने लगे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं न सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में बढ़ेंगी बल्कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बसे पहाड़ी इलाकों और नेपाल, भूटान, तिब्बत जैसे देशों में भी ऐसी घटनाओं के बढ़ने की संभावना ज्यादा है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि 8 लाख विद्यार्थियों को हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान से तैयार किए गए हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मनुष्य में शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और विद्यार्थियों को भी हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से योग और ध्यान सिखाया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर ने मेकशिफ्ट अस्पताल की संभावित साइट का किया निरीक्षण। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने शनिवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर के साथ लगती जमीन पर मेकशिफ्ट अस्पताल के निर्माण की संभावनाओं के संबंध में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के साथ चर्चा की। उपायुक्त ने इस जमीन को समतल करने के कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 31 जुलाई को वजीर सिंह डिग्री कॉलेज को पीजी कॉलेज में स्तरोन्नत करने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। फतेहपुर स्थित वजीर राम सिंह स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने रे में उप तहसील खोलने, उच्च पाठशाला बरोट को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, नगोह और कुंदन खड्ड के तटीकरण, 10 लाख रुपए की लागत से गुरु रविदास मंदिर परिसर की दीवार का निर्माण, नंगल में पटवार सर्कल, वजीर सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी में एमए हिंदी और एमकॉम की कक्षाएं आरंभ करने और इस विद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। जिला ऊना में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्रदेश सरकार ने जारी की 1500 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद। जिला ऊना में कोरोना महामारी से अनाथ हुए 18 वर्ष से कम आयु के 4 बच्चों को बाल बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 1500 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों को बाल बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि बच्चों को प्रदान की जाती है, जिसमें से 2000 रुपये प्रतिमाह बच्चों के पालक अभिभावक को और 500 रुपये प्रतिमाह की दर से बच्चे के 18 वर्ष पूर्ण होने तक FDR बनवाई जा रही है। उपायुक्त बिलास
बिलासपुर पंकज राय ने की बचत भवन में जल और स्वच्छता समिति के प्रबंधों की समीक्षा बैठक। पंचायतों में वाटर टेस्टिंग किटों का सही इस्तेमाल करना करें सुनिश्चित। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी से ज्यादातर बीमारियों का अंदेशा रहता है, इन बीमारियों से बचाव के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच होना अति आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पंचायतों में दी गई वाटर टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता की जांच करना और टेस्टिंग किटों का सही ढंग से इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें और इसकी रिपोर्ट शीघ्र BDO और PODRDA के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। जिला ऊना में मीडिया कर्मियों को COVID-19 की दूसरी डोज के लिए विशेष सत्र का आयोजन। मीडिया कर्मियों के लिए कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने हेतु क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में विशेष टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान 12 मीडिया कर्मियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज और 3 मीडिया कर्मियों को पहली खुराक दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक संपर्क अधिकारी अरुण पटियाल ने बताया कि पत्रकारों के लिए कोविड की पहली डोज लगाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में विशेष सत्र 8 मई को आयोजित किया गया था और आज दूसरी डोज दी गई है। टोक्यो ओलंपिक का 9वां दिन भारत के लिए नहीं रहा कुछ खास। बॉक्सिंग और बैडमिंटन में निराशा मिली है। स्टार शटलर पीवी सिंधु फाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं। हालांकि सिंधु के पास मेडल जीतने का एक और मौका है। वे रविवार को कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगी। वहीं बॉक्सिंग में पूजा रानी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हारकर बाहर हो गई हैं। तीरंदाजी में भी मेडल जीतने का सपना टूट गया है। डिस्कस थ्रो से भारत के लिए अच्छी खबर है। कमलप्रीत कौर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।